आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आधारित एक दिलचस्प उदाहरण देखा था। आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते समय उपयोग में आने वाले पदों दृष्टि रेखा, दृष्टि बिंदु, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। तो चलिए इन पदों पर चर्चा करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि यानी बिंदु O से किसी वस्तु के शीर्ष बिंदु P को देखता है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा OP को दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु से वस्तु P को देखा जाता है उसे दृष्टि बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ विजन कहते हैं। यदि कोई वस्तु P व्यक्ति की आंख यानी बिंदु O से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन OQ से ऊपर की ओर है, तो व्यक्ति द्वारा उस वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज रेखा के सापेक्ष जितने कोण से उसे अपनी दृष्टि ऊपर उठानी पड़ती है उस कोण को उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अर्थात चित्र की सहायता से बता सकते हैं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण POQ को उन्नयन कोण कहा जाता है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। यदि कोई वस्तु व्यक्ति की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ स्थित हो तब दृष्टि रेखा OR और क्षैतिज रेखा OQ के बीच बनने वाले कोण QOR को अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इस वीडियो में आज हमने दृष्टि रेखा, दृष्टि बिंदु, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण के बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम उपयुक्त पदों का प्रयोग करते हुए कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।